एवरीवन, आप सभी की लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 9वीं वालों से क्या बुराई है, आपके कक्षा 12वीं का बता रहे हैं, आप कक्षा 10वीं का बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 9वीं और 11वीं का नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 9वीं 11वीं का पेपर ही नहीं मिला था ना मुझे। देखिए, जब पेपर वायरल होता है आप सभी का तभी बताता हूँ ना मैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आपको बता दूंगा। अभी तक आपका पेपर वायरल नहीं हुआ था, बट फाइनली देखिए पूरा का पूरा जो है आपका यहाँ पे 101% जो पेपर है ओरिजिनल पेपर वायरल हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये कोड है आपका, सेट ए का पेपर है और अभी अभी मुझे मिला है। जी हाँ, तो 1 अप्रैल को जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी का, यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस देखिए, जब वायरल होता है तभी मैं बताऊंगा। देखिए 9वीं का नहीं हुआ था तो नहीं बताया, 11वीं का नहीं हुआ था तो नहीं बताया, 10वीं का हुआ वायरल तो बता दिया, उनका वही का वही उनको देखने के लिए मिल गया। आप अपने भैया लोगों से भी पूछ लेना, ठीक है, जो भी 10वीं या फिर 12वीं में हो। तो देखिए फाइनली आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ, और 1 अप्रैल को जो हिंदी का आपका होने वाला है ना, यही एग्जैक्टली आपको देखने के लिए मिलेगा। सो संपूर्ण पेपर देख लीजिए आप यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से जो है आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन हैं आपके को अपन देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दें, 1000 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ, 1000 लाइक अपन को जरूर कराना है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए मेहनत करके मैं पेपर लेकर के आया हूँ। कैसे अरेंज किया ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट बहुत मेहनत लगी है यार, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 आपके सही विकल्प रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो चलिए अपन देखना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टिक करके नहीं बताऊंगा आपको, सीधा बता दूंगा इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, छायावाद के जनक माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक माना जाता है, ऑप्शन का आपको लगा लेना है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो कबीर के अनुसार ईश्वर हर प्राणी की श्वास में रहता है। वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया था, तो उत्साह होता है, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। महादेवी वर्मा ने पुस्तक में मिला चांद का कटोरा कैसे दे दिया, तो पुस्तक में मिला चांद का कटोरा उन्होंने यहाँ पे दे दिया था महात्मा गांधी जी को, ठीक है, महात्मा गांधी जी को दे दिया था, नंबर वाला लगा लेना है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन सबसे बनेगा, मैं जानता हूं सबसे बनेगा, और ये सभी आंसर भी देंगे, ठीक है, मैं कमेंट देखूंगा कितने विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं 9th के कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है, ठीक है, मृदुला गर्ग की रचना पूछी गई है, तो देखिए इनकी जो रचना है वो है आपकी यहाँ पे मेरे संग की औरतें, ठीक है, मेरे संग की औरतें इनकी रचना है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। सो गाइस, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे देखिएगा, रिक्त स्थान है आपके, ठीक है, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी, टोटल 6 रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं। तो पहला है हमारा देखिएगा, काली तू रजनी भी काली, तू शासन की करनी भी काली, ठीक है, यहाँ पे काली ही भरना है आपको, ठीक है, काली ये एक कविता का वाक्य है, तो यहाँ पे काली ही आपको भरना है, जो काली यहाँ पे दिया गया यही भरना है। वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो वीर रस का उत्साह होता है। पीतर पात सरिस मन डोला, ठीक है, पीतर पात सरिस मन डोला में अलंकार पूछा गया है, उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा करी गई है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है, तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। शब्द के पहले जुड़ने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, शब्द के पहले जो जुड़ते हैं उनको हम अपन उपसर्ग बोलते हैं। हम हाथी पे खालिस्तान ना जुबाया करते हम पे बैल पे, तो ये है जो आपका यहाँ पे एक वाक्य है जिसको पूरा करना था, तो यहाँ पे हल लिखना था, ठीक है, आपको हल, हाथी पे हल ना जुतवाया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सही जोड़ियाँ जिनका अपन को मिलान करना था, तो पहली जो सही जोड़ी है इसका अपन मिलान करेंगे यहाँ पे देखिएगा, लह लह पालक, तो जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा मह मह धनिया, ठीक है, मह मह धनिया। श्रृंगार रस का उदाहरण पूछा गया है, तो रति स्थायी भाव, ठीक है, श्रृंगार रस जो है रति स्थायी भाव होता है। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद कौन थे, प्रेमचंद थे जो उनकी रचना है वो है लहमी। चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह की जो रचना जो थे वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। मातृ ही भर, तो मातृ ही भर का जो मिलान है अपन करेंगे निपात शब्द से। इस जल प्रलय में, तो लास्ट जो बचा हुआ है फणीश्वरनाथ रेणु इनकी रचना है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर आपको बताने थे। सो गाइस, इसके जो उत्तर बताने से पहले आप सभी की जो डिमांड रहती है कि सर जो ये पेपर है और जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं इन दोनों की हमें पीडीएफ चाहिए, कोई भी यूट्यूब पे नहीं देता है, ठीक है, पीडीएफ इसकी, बट मैं आपके लिए
लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगर पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाती है ना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। सो विद्यार्थियों, पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको स्टडी नोट्स पीजिए अपने गूगल पे लिखना होगा, फिर सर्च कर देना होगा स्टडी नोट्स पीजिए। ठीक है, नीचे आना होगा और यहाँ पर लिख रहा होगा आपको क्लास एमपी बोर्ड 9th 11। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एमपी बोर्ड 9th 11th पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वायरल पेपर की पीडीएफ 2023 9th 11th। तो देखिए हमें 9th का करना है, इसलिए साइट आएंगे हम, 9th का करना है और सेट ए हिंदी का करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर हम क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है पेपर डला हुआ है, ठीक है, ये देख लीजिए पूरा पेपर डला हुआ है, थोड़ा सा लोड लेता है। यहाँ पर देखिए हिंदी का पूरा पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा था। अब अपन आए हैं यहाँ पे सॉल्यूशन डाउनलोड करने हैं, तो कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है और डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। 15 सेकेंड का आपका टाइमर चलेगा, ठीक है, 15 सेकेंड तक आपको वेट करना होगा, तब तक आप ये पेपर पढ़ लेना और किसी भी एक ऐड पर क्लिक कर देना। एक ऐड पर क्लिक करना बहुत कंपलसरी है, आप लाइक करिए या ना करिए, लेकिन ऐड पर क्लिक जरूर करना है। इससे थोड़ा सा हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, आप हमारी हेल्प कर देंगे। और यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जो है आपको जीमेल चुनना है। जीमेल चूज करने के बाद देखिए ये जो है आपकी यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो रही है। ठीक है, ये पीडीएफ आपकी ओपन हो चुकी है और कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सेट ए पेपर फुल सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए अपन जो है यहाँ पे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वाक्य एक शब्द में जो उत्तर दिए गए हैं। पहला है अपना ब्रिटिश राज का गहना है, तो ब्रिटिश राज का गहना हथकड़ियाँ हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त को उद्दीप्त करने वाले रस क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके विभाव। नेक्स्ट है आपका सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना जाता है, तो सबसे बुद्धिमान जानवर जो है गधा को माना गया है। ठीक है, हिंदी के अनुसार है ये, कुछ और नहीं समझ लेना आप। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ है अधिक दिखावा। ठीक है, जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था, तो ये मंगाया था लेखिका की बहन रेणु ने। ठीक है, लेखिका की जो बहन थी रेणु, उसने मंगाया था। चलिए अपन आगे के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एक सत्य थे। गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं थी, सत्य हो जाएगा। सिंगा रस का स्थायी व हास्य, असत्य हो जाएगा। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपुताज कहलाता है, सत्य हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के जो पहले जुड़ते हैं, ये जो है आपका असत्य हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ जो थी परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये सत्य है आपका। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिएगा गाइस, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला रहेगा आपका भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख करना था, 2 अंक का क्वेश्चन है। अथवा में देखिए छायावाद की 2 कविताओं तथा इनकी प्रमुख एक एक रचना का वर्णन करना था। ब्रजभूमि के प्रति कवि रस खान का प्रेम भाव किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। मेघ आय कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करना था। कवि ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है, ठीक है, ये भी बताना था। एक और क्वेश्चन देखिए आप, 2 अंक का जो दिया गया है, कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालना था। सुमित्रानंदन पंत के काव्य के कला पक्ष की 2 विशेषताएँ देनी थी। काव्य की परिभाषा लिखना था और उसके भेद बताने थे। रूपक अलंकार की परिभाषा देनी थी और इसके भेद बताने थे। देखिए अगर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगी तो इन सबके आंसर भी दे दूंगा। और सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है मैंने आपको बता दिया, studynotespdf.com पे जाना है। ठीक है, वीर रस का परिभाषा आपको बतानी थी उदाहरण दे करके, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बतानी थी, उपन्यास किसे कहते, 2 उपन्यासकारों के नाम, संस्मरण किसे कहते हैं, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों में क्या और किस प्रकार व्यक्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके अनुसार वस्तुएं खरीदने को का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन देखकर तर्क स्पष्ट करिए। सांवले जो सपनों हैं उनकी याद शीर्षक की जो है उस पर एक टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, राहुल सात कृत्यान की भाषा शैली बतानी थी। हरिवंश परसाई की 2 रचनाओं को लिखना था। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ब्लॉम शब्द बताने थे। खरीद और बिक्री हो चुकने पर भी यहाँ पे पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। ठीक है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थक स्पष्ट करनी थी। तो ये है जो आपका यहाँ पे देख लीजिए जो है 2 अंक वाले क्वेश्चन थे यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद है आपके यहाँ पे देखिएगा 3 अंक वाले क्वेश्चन। तो 3 अंक वाले क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रहेंगे आपके, देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है आपका गद्यांश रहेगा। सो गाइस देखिए
अभी वीडियो अपनी लंबी खिंच चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, studynotespj.com पर जाकर के इस पेपर की PDF और सॉल्यूशन आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे बात करनी है तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी गई है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आवश्यक है, ठीक है। तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है studynotespj, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो इस पेपर की PDF आपको studynotespj.com पर मिलेगी और सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा